हेलो हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं। ज्योग्राफी से क्वेश्चन हैं कुछ अपने पास डिस्कस करने के लिए पेपर सिक्स में, है ना। पेपर सिक्स में क्वेश्चंस जो हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, उस पर बात करते हैं अपन। पहले सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। यहाँ पे अपलैंड राइज की बात की जा रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? अपलैंड राइज की बात हो रही है, ठीक है। अपलैंड और राइज, अपलैंड मतलब ऐसी जो हमारी सॉइल होगी, लैंड होगी, जो क्या होगी, ऊंचाई पर होगी, है ना। ऊंचाई पे होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे वाटर ड्रेनिंग का अगर सिस्टम देखेंगे तो कुछ ज्यादा ही तेज होगा, वहां से वाटर ड्रेन आउट हो जाता होगा, वाटर टिकता नहीं होगा वहां पे, है ना। तो बोल रहे हैं कि कौन सा है, राइज कल्टिवेटेड बिलो सी लेवल। नहीं, सी लेवल के बिलो रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां तो बिल्कुल पानी रहेगा, वाटर तो रहेगा, तो ये नहीं होगा, है ना। बोल राइस वैरायटी ग्रोन इन द ड्राई लैंड कंडीशन, बिल्कुल ड्राई लैंड कंडीशन होगी। कहाँ पे? अपलैंड पे, क्योंकि वाटर पे वहाँ पे क्या होगा, ड्रेन आउट हो जाया करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। फोर्टिफाइड राइस वैरायटी रूपांतरित चावल की किस्म, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा किस्म नहीं होता जिसको अपलैंड राइस का नाम दें। बहुत सारे ऐसे राइस की जो फोर्टिफाइड राइसेस होती हैं जो कि अपलैंड नहीं, डाउन लैंड, या आप कह सकते हो यहाँ पे बिलो सी लेवल भी जिनकी खेती होती है, ठीक है। राइस वैरायटी ग्रोन अंडर द सिस्टम ऑफ राइट इंटेंसिफिकेशन, चार प्रणाली के तहत उगाई जाती है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन हमारा बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट। बोल रहे हैं कि भूकंप के झटके, सॉरी झटके नहीं है, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की बोल रहे हैं। बोल रहे हैं सिस्मिक गैप इज अ सेक्शन ऑफ अ फॉल्ट दैट प्रोड्यूस अर्थक्वेक्स इन द पास्ट बट इट इज इन डॉर्मेंट स्टेट प्रेजेंटली, ठीक है। फिर बोल रहे हैं बेनी ऑफ जोन इज अ सिस्मिकली एक्टिव अंडरग्राउंड एरिया विद इन अ सबडक्शन जोन, है ना। बेनी ऑफ जोन जो है ये एक बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो एक सिस्मिक जोन होता है ये, ध्यान रखना, ठीक। कैसा? भूकंपी क्षेत्र होता है। सिस्मिक गैप इज सेक्शन ऑफ द फॉल्ट, बोल रहे हैं कि जैसे कैसे दो प्लेट्स होती हैं, है ना। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे ये कोई ओशनिक प्लेट्स है, ठीक, और इसके ऊपर कोई कॉन्टिनेंटल प्लेट है, राइट। अब चूंकि ये ओशनिक प्लेट है, ठीक, और ये क्या है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक। जब ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी तो ओशनिक प्लेट जो होता है वो लाइट होती है, तो लाइट होने के बाद वो क्या हो जाएगी, वो यहाँ से ऐसे नीचे क्या हो जाएगी, दब जाएगी, और ये ओवरलैप कर जाएगी हमारी जो भी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होंगी, ठीक है। तो जो ये जो बना रहा है ना, ये हमारा जो होता है गैप इज अ सेक्शन ऑफ फॉल्ट, ठीक। तो यहाँ पे जो फॉल्ट बन रहा है, ठीक है, उसके बाद ये जो एरिया है, ये जो नीचे जाते हुए एरिया है, यही हमारी क्या होती है, यही हमारी बेनी ऑफ जोन होती है, बेनी ऑफ जोन्स होते हैं, ठीक है। इसकी बात कर रहा है यहाँ पे, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी। इसमें हमारे बोथ करेक्ट हैं इसमें, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट एंड सेकेंड वन इज एज वेल, राइट। चलिए आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन रिलेटेड टू, कह रहे हैं कि इनमें से कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन अफेक्ट द लोकल क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। कह रहे हैं इंडिया के जो लोकल क्लाइमेट्स है उसको अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं। बोल रहे हैं जेट स्ट्रीम्स है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ट्रॉपिकल डिप्रेशन, या इनको डिप्रेशंस होंगे तो क्या होंगे, साइक्लोन्स बनेंगे, आपको पता ही है यहाँ पे, है ना। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जेट स्ट्रीम के बारे में सब कुछ जानते हो, सब लोग जानते हो, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसको सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम इसका सर्च हुआ था, है ना, जब जापानीज लोग अपना वो एरोप्लेन लेके जाते थे, तो उधर से वेस्ट साइड से आती हुई बहुत सारी जो विंड्स होती थी उनके प्लेन्स को क्या कर देती थी, धीमा कर देती थी, है ना। उन्होंने उसको नाम दे दिया गया, जेट स्ट्रीम का नाम दिया, राइट। चलिए, इसमें जो जेट स्ट्रीम होती है, जैसे सब ट्रॉपिकल अगर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की बात करें, ठीक है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की बात करें तो 20-35 डिग्री नॉर्थ में लाइज करती है ये, ठीक है। कौन सी? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। कितने? 20-35 डिग्री नॉर्थ या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइज करती हैं। और आपको पता ही है कि हमारा जो इंडिया होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो वहां से लाइज करती हैं तो ये करती क्या है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ले आती हैं, ठीक है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ले आती हैं और दिसंबर से फरवरी के महीने में, फरवरी मंथ में, ठीक, ठंड के टाइम में ना, विंटर वेदर में जो बारिश होती है उसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, ठीक है।
तो जेट स्ट्रीम जो है दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है तो जेट स्ट्रीम अगर इसको अफेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियस बात है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी करेगा, है ना। अब उसके बाद ये जो हमारी ट्रॉपिकल डिप्रेशन की बात हो रही है, ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो होता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाइज करता है 5 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थन हेमिस्फीयर में, 5 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि कुछ नहीं, वहां पे लो प्रेशर जोन बनता है और लो प्रेशर जोन बनने के बाद से क्या होती है, जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो मूव ऑन कर जाती हैं किधर, पेनिनसुलर रीजन की तरफ, और वहां पे ये क्या कराती हैं नॉर्दर्न इंडिया और नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, ठीक है, वहां पे क्या कराती हैं वेदर फॉर्मेशन करती हैं और ये क्या कराते हैं रेनफॉल कराते हैं, ठीक है। ठीक, कैसी रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल कराते हैं, ठीक है। अब इसमें जो ट्रॉपिक अगर बात करें थोड़ा सा हम इसके बारे में कि जो हमारी ट्रॉपिकल एस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती हैं जो कि 8 से 35 डिग्री नॉर्थ में लाइज करती हैं, कितने 8 से 35 डिग्री नॉर्थ में लाइज करती हैं, ये एक्चुअली वार्म होती हैं, ठीक। ये वार्म होगी तो ये सरफेस एयर से क्या करेंगी, सरफेस एयर को ऊपर तरफ खींचेंगी, सरफेस एयर को गर्म करेंगी, है ना, गर्म करने के बाद ये उसको ऊपर तरफ खींचेंगी और ऊपर तरफ खींचेंगी तो लो प्रेशर जोन का फॉर्मेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब लो प्रेशर का जोन का फॉर्मेशन होगा तो जो हमारे ट्रॉपिकल डिप्रेशन हैं वो क्रिएट होंगे, साइक्लोन्स क्रिएट होंगे, कन्वेंशनल वहां पर रेनफॉल होगी, ठीक है। चलो, और कन्वेंशनल रेनफॉल वही मानसूनल सीजन, बस्टिंग ऑफ मानसून करते हुए, तो इसमें जो तीनों हमारे जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, जो अफेक्ट करते हैं लोकल क्लाइमेट्स को, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन 1, 2 and 3, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ द मियांडर्स, ठीक है। मियांडर्स क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि जब नदियां होती हैं, जब एक किसी भी प्लेन रीजन में जब एंट्री करती हैं, ठीक है, प्लेन रीजन में एंट्री करती हैं तो होता क्या है कि वो बहुत ऐसे चलती हैं और ऐसे ऐसे कुछ इस शेप में रास्ता बनाते हुए चलती हैं, राइट। अब इसमें होता क्या है, ये जो रास्ता बना रही हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है, मियांडर्स बोला जाता है। सर्प, सर्प की आकृति के रास्ता बनाते हैं, जो स्नेक लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसे क्या बोलते हैं, मियांडर्स बताते हैं। कहते हैं कि मियांडर्स के लिए इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो सेडिमेंट लोड, वैली स्लोप, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। चलिए, कोरियोलिस फोर्स का इसमें कोई रोल नहीं होता है, वैली स्लोप का रोल भी नहीं होता है। वैली स्लोप का रोल एक्चुअली होता है जब हमारी नदियां जो पहाड़ी रीजन में होती हैं, ठीक है, तब वो क्या करती हैं कि जो हमारे स्लोप होते हैं, स्लोप कोफिशियंट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती हैं, ठीक है। सेडिमेंट लोड जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। सपोज करो कि जैसे ये नदी सीधे जा रही थी, ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ सेडिमेंट है जिसको ये क्या कर सकती है, कट नहीं कर सकती है, ठीक, तो ये क्या करेगी, सॉफ्ट नहीं, यहाँ पे हार्ड सेडिमेंट्स है तो यहाँ से ऐसे ये इसका रास्ता चेंज हो जाएगा, फिर ऐसे चली जाएगी। अब यहाँ पे कोई था, ठीक, जिसको कट कर सकती थी तो इसको काटते काटते यहाँ ऐसे घूम जाएगी इतना, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, ये मियांडर क्या कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है। तो ऐसे करते हैं जो हमारी रिवर्स हैं वो आगे बढ़ती हैं और इस तरह से मियांडर का फॉर्मेशन होता है। तो सेडिमेंट लोड जो है हमारा ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मियांडर्स, ठीक है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट वन ओनली, ठीक। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अदर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि जो हमारी ओस होती हैं, ड्यूज होती हैं, है ना, ओस, ड्यूज मतलब ओस, माउंटेन ड्यू नहीं, डर के आगे जीत है, है ना, दिस इज द ओस, ओनली ड्यू, है ना। बोला सुटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यूज, कंडीशन और सुटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यूज। चलो, क्लाउडी स्काई, काम एयर, हाई ह्यूमिडिटी, कोल्ड नाइट। देखिए, अब पहली बात तो अगर इस क्लाउडी स्काई होगी, मतलब कि जो हमारा स्काई है उसमें बहुत सारे अगर बादल होंगे, ठीक, तो ओस नहीं, ओस की बूंदें जमेंगी नहीं, क्योंकि ऐसी ऐसी जो नाइट्स होती हैं, क्लाउडी नाइट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, हॉट होती हैं, और हमेशा ड्यू फॉर्मेशन के लिए कोल्ड वेदर का या कोल्ड नाइट का होना जरूरी है। दैट मीन्स कि चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्यों कोल्ड नाइट का होना जरूरी है, क्योंकि जो हाई ह्यूमिडिटी है एयर की, और एयर कैसी है, शांत है, बह नहीं रही है कॉन्टिन्यू, अगर एयर बहती रहेगी तो उसके कंडेंसेशन होने के लिए उसको टाइम नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि उस कोल्ड टेम्परेचर, सॉरी कोल्ड नाइट या कोल्ड वेदर से वो एयर जो है, अगर सपोज करो फ्लो हो रही है और हाई स्पीड में फ्लो हो रही है तो क्या हो जाएगी, कंडेंसेशन नहीं अगर करेगा, और हाई ह्यूमिडिटी जो होती है उसको कंडेंसेशन करने के लिए कोल्ड नाइट की जरूरत पड़ती है। तो कोल्ड नाइट, हाई ह्यूमिडिटी और काम एयर, ये तीनों जो हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ड्यू।
तो 2, 3 और 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आइए चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, आई थिंक 20 आएगा, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ बोल रहे हैं बाराबंदी सिस्टम, ठीक है, बाराबंदी सिस्टम इज व्हाट, सिस्टम ऑफ क्रॉप रोटेशन, फसल रोटेशन की एक प्रणाली, नहीं इसको रोटेटिंग फार्मिंग बोलते हैं या रोटेशनल फार्मिंग बोलते हैं, सिस्टम ऑफ सीजनल माइग्रेशन ऑफ पास्टोरल कम्युनिटी, चारागाह समुदाय के मौसमी प्रवासन की प्रणाली, नहीं सिस्टम ऑफ इरिगेशन। हाँ बिल्कुल, ये बाराबंदी जो सिस्टम है ये एक तरह का इरिगेशन सिस्टम है, ठीक है, और ये पाकिस्तान ने इसको सबसे पहले जनरेट किया इस बाराबंदी सिस्टम को, कौन सी कंट्री ने, पाकिस्तान ने, ठीक है, कुछ अच्छा काम कर लेता है कभी कभी पाकिस्तान, है ना, तो पाकिस्तान ने इस बाराबंदी सिस्टम को, इसमें होता क्या है कि जैसे एक, जैसे सपोज करो कि नाली है जिसमें से वाटर क्या हो रहा है इरिगेशन के लिए आगे ले जा रहा है, तो ये क्या करेंगे कि इस नाली के ऊपर एक ऐसे ही, अब यहां से दूसरी नाली टूटी है, यहां से दूसरी, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर ये अलाउ करते हैं फॉर द पासिंग, ठीक है। सपोज करो कि जैसे इन्होंने यहां से 500 लीटर वाटर यहां से छोड़ दिया, ठीक है, अब 500 लीटर वाटर वहां पे छोड़ दिया, ठीक, अब उस को क्या करेंगे कि 500 लीटर वाटर को ये अलाउ करेंगे कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए जाने के लिए, ठीक, जब वो वहां पे जाएगा तो इसको क्या करेंगे, उसको बाद उसको बंद कर देंगे और आफ्टर सम टाइम इसे फिर से अलाउ करेंगे, ठीक है, तो मतलब आप समझ रहे हो, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाराबंदी सिस्टम। अगर उर्दू में देखें तो वारा का मतलब होता है टर्न और बंदी का मतलब होता है फिक्स्ड, है ना, एक फिक्स टर्न में क्या करना है कि अलाउ करना है पानी को। बोलते हैं वाराबंदी सिस्टम इज रोटेटिंग, ठीक है, इज अ रोटेटिंग वाटर एलोकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान दैट शेयर्स द इरिगेशन वाटर इक्वली, ठीक है, इरिगेशन के लिए वाटर को क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, जिससे हाई एफिशिएंसी यूज ऑफ वाटर सप्लाई होगा और इक्विटी इन द वाटर वेजेस होगा, ठीक है, तो दीज आर द रिलेटेड टू सिस्टम ऑफ इरिगेशन वाराबंदी सिस्टम। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द क्वेश्चन नंबर 22, ठीक, 22 क्वेश्चन इज रिलेटेड टू उत्तर कोरिया ने अपनी सीमा साझा की है, उत्तर कोरिया के जो सेस बाउंड्रीज हैं, बॉर्डर्स हैं, कंट्रीज हैं, उसके बारे में बात किया जा रहा है। अगर बात करेंगे तो नॉर्थ में हमेशा उत्तर कोरिया, सॉरी साउथ में उत्तर कोरिया हमेशा साउथ कोरिया से टच है, ठीक है, और नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में दो स्टेट पड़ते हैं, अगर नॉर्थ में बात करेंगे तो कंप्लीटली चाइना और नॉर्थ ईस्ट में रशिया से भी टच है, इसमें तीनों के साथ ही अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, इसमें 1, 2 और 3 ऑल ऑफ द अबव डी आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, है ना, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, बोल रहे हैं वेस्टर्न घाट के कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको पता है वेस्टर्न घाट को और क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं ना, सह्याद्री, सह्याद्री पर्वत भी बोलते हैं, सह्याद्री माउंटेन्स भी बोलते हैं, ठीक, गुजरात से लेकर के केरला तमिलनाडु तक ये बिल्कुल वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल बिल्कुल फैला हुआ है, 1600 किलोमीटर के लगभग इसकी लेंथ पड़ती है, आपको पता है ये बात, है ना। बोल रहे हैं कि ये प्रमुख नदियों द्वारा विच्छेदित होते हैं जो डेल्टा का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मोर देन 60 रिवर्स आर अराइज फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, और जिसमें हमारी जो प्रमुख रिवर्स हैं जैसे गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ठीक है, और थमीरा, परानी, तुंगा, भद्रा, ये कुछ ऐसे मेजर रिवर्स हैं जो यहाँ की यहाँ से एराइज होती हैं, ठीक है, इसीलिए क्या होते हैं ये विच्छेदित होता है, डाइसेक्टेड हो जाते हैं, जगह जगह से क्या हो जाते हैं, अब नदियां निकल रही हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ठीक। चलिए बोल रहे हैं कि द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। हाँ बिल्कुल ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो हम देखते हैं कि वहां पे जो माउंटेन की हाइट होती है वो भी बढ़ती जाती है, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो वहां पे अन्नाई मुड़ी वहां की हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट जो कि केरला में है, कौन सी, अन्नाई मुड़ी, ठीक है, कहां पे, केरला में, ठीक, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, और देखा जाए तो लगभग 2695 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू द पासेज ओनली, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कटे छटे नहीं है ना, तो ऐसे कि टूटे टाटे हैं या बीच में इतना कुछ गैप नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है, और बहुत ही घनघोर, मतलब कि आपका देखा जाए तो वहाँ पे फॉरेस्ट पाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारी रेयर स्पीसीज का हैबिटाट है वो, है ना, क्या वेस्टर्न घाट, तो कंटिन्यूअस है, कैन बी क्रॉस थ्रू द पासेज, हाँ बहुत सारी, जैसे जैसे पाल घाट हो गया, है ना,
और गोवा गैप हो गया, ठीक। तो इन सब चीजें से क्या होता है कि इसको क्रॉस किया जा सकता है। पालघाट की अगर बात करें तो तमिलनाडु केरला को आपस में मिलाती है, कौन सी, पालघाट, जो कि हमारे वेस्टर्न घाट में एक क्या है, पास है, ठीक है, पालघाट, ठीक। चलो तो इसमें 1, 2 और 3, ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, सारे के सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको इसको क्या करना है, सेट करना है किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि आयरन ओर्स दिए गए हैं, ठीक, क्या दिए गए हैं, आयरन ओर्स दिए गए हैं, उसमें बोल रहा है कि कहाँ कितने किसमें कितना परसेंट आयरन पाया जाता है, ठीक है। आइए बात करते हैं, अगर लिमोनाइट की बात करते हैं तो उसमें 55% के तकरीबन आयरन ओर्स पाया जाता है, हेमेटाइट की बात करते हैं तो 69.9% आयरन पाया जाता है, और मैग्नेटाइट की बात करते हैं तो अप्रॉक्स 72.5%, ठीक है, आयरन पाया जाता है। तो चूंकि हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले लिमोनाइट लिखेंगे 3, फिर हेमेटाइट 2 और फिर मैग्नेटाइट 1, 3, 2, 1, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, सारे इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं ये इनकरेक्ट है, तो सही ऑप्शन इसमें लिख लो 3, 2, 1, ठीक है, 3, 2, 1, इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, 3, 2, 1 का कहीं पे सीरीज नहीं दिया गया है, ठीक, सारे ऑप्शन इसमें गलत हैं, ऑप्शन हमारा एक नया बना रहा है इसमें 3, 2, 1, ठीक है, हमने इसको इसीलिए डेटा भी बता दिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। चलो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, क्या कह रहे हैं 27 नंबर क्वेश्चन, बोल रहे विचार द फॉलोइंग आर द पॉसिबल पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के क्या पॉजिटिव इफेक्ट है। देखो पहली चीज़ एक बार बताएं कि कोई भी फिनोमिना होती है तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसका केवल निगेटिव इफेक्ट है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है। अभी आप बोलोगे कि सर अर्थक्वेक का क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं है, क्योंकि अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ अर्थक्वेक ना, तो अगर उस एनर्जी को हम किसी तरीके से स्टोर करके अगर यूटिलाइज करें तो आई थिंक कि हमें बहुत बड़ी अमाउंट एनर्जी की मिल सकती है, ठीक है, और हमारे एनर्जी के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकती है, ठीक। तो इस तरीके से कोई भी फिनोमिना अगर हैपन हो रही है, कंप्लीट हो रही है, तो उसका पॉजिटिव होता है, तो उसका निगेटिव होता है। निगेटिव अगर हम ग्लोबल वार्मिंग से आपसे पूछेंगे तो अभी सब लोग भर भर के आंसर दोगे, कोई उसमें कमी नहीं करोगे, है ना, लेकिन अब थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात कर लें, क्या क्या होता है, बोल रहे हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ का पिघलना। अच्छा देखो ध्रुवीय क्षेत्रों में अगर बर्फ का पिघलेगा तो पहली बात तो वहाँ का हैबिटेट लॉस हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे स्पीसीज जो कि पोलर रीजन में रहते हैं उनका हैबिटेट क्या होता है, यही पोलर एरियाज, तो उसका अगर वो पिघल जाएगी कम्प्लीटली तो हैबिटेट क्या हो जाएगा वहाँ पे, लॉस हो जाएगा, ठीक। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ओके। बोल रहे हैं ओपनिंग ऑफ न्यू ट्रेड रूट्स, हाँ बिल्कुल ये सही है, क्यों न्यू ट्रेड रूट्स का क्यों ओपनिंग होता है, कि जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो ट्रेड रूट्स में आने वाले बहुत सभी जगहों पे क्या हो जाता है कि बर्फ जम जाती है कम्प्लीटली, है ना, मतलब वैसे बर्फ जमी रहती है लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग होता है तो वो बर्फ पिघलती है, मेल्ट होती हैं। अच्छा जब वो आइस जो होती हैं मेल्ट होती हैं तो क्या होता है कि बहुत नए नए हमें क्या मिल सकते हैं, ट्रेड रूट्स मिल सकते हैं, नए नए सी रूट्स मिल सकते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट है ये, क्या ओपनिंग ऑफ न्यू ट्रेड रूट्स, लेकिन इस तरह की ओपनिंग जो होती है ट्रेड रूट्स की ये निगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकती है, जैसे जो टाइटैनिक वाला कांड हुआ था, टाइटैनिक एक्सीडेंट हुआ था, वो कैसे हुआ था, वो इसी तरीके से ऐसी मतलब बर्फ पिघली और बहुत बड़ा आइसबर्ग आ करके क्या हुआ, टाइटैनिक जो हमारी जहाज़ थी उससे आके टकराया और पूरा का पूरा जहाज क्या हो जाती है, डूब जाती है, तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन ओपनिंग ऑफ न्यूट्रीड इज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। बोल रहे हैं इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल यील्ड, है ना, आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं पौधे होते हैं उनको CO2 बहुत ही अच्छे अमाउंट में चाहिए फॉर द फोटोसिंथेसिस, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस। जब भी हमारे ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाती है तो CO2 इज द मेजर गैस ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग ना, और CO2 इज ऑल्सो वेरी यूजफुल गैस इन द फोटोसिंथेसिस बाय द प्लांट ना, तो CO2 इंक्रीज करेगा तो प्लांट का फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज करेगा, तो एग्रीकल्चर भी बहुत जगह पे ऐसा होता है कि वहाँ पे सुधार देखने को मिल सकता है, खास करके ऐसी जगह पे जहाँ पे बर्फ बहुत सालों साल तक बिल्कुल जमा रहता है, और जो भी परमाफ्रस्ट वाली कंडीशन आती है ऐसी जगहों पे जो ग्लोबल वार्मिंग है तो वो हेल्प करता है कृषि में, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट, एंड हियर द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखो सियाचिन ग्लेशियर आपको सबको पता है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है, है ना, अगर सियाचिन ग्लेशियर के बारे में हम आपसे पूछें कि कहाँ पे भाई सियाचिन ग्लेशियर, आप बताओ कहाँ पर है ना, तो आप सब लोग कुछ ना कुछ तो आंसर जरूर दोगे।
ईस्टर्न काराकोरम रेंज में हिमालय में बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान में पड़ता है, लाइज करते हैं हमारा सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, काराकोरम रेंज ऑफ द हिमालय, बिल्कुल सही ऑप्शन है, स्टेटमेंट है। बोल रहे हैं कि हैबिटेट ऑफ द बोस्ट नोलेपर्ड एंड आइबेक्स, हाँ आइबेक्स क्या होती है हमारी, इनको क्या बोलते हैं, वाइल्ड गोट बोलते हैं, वाइल्ड गोट जंगली बकरी है ना, इनको आइबेक्स बोलते हैं, आइबेक्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे हैबिटेट ऑफ लेपर्ड एंड आइबेक्स, लेकिन अभी क्या है कि सियाचिन ग्लेशियर्स पे आर्मी के एग्जिस्टेंस की वजह से इन दोनों प्रजातियों को बहुत ज़्यादा खतरा है, ठीक है, क्योंकि आर्मी ऑब्वियस बात है कि वहाँ पे ह्यूमन और जो भी हमारे वाइल्ड लाइफ हैं या वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होता ही होता है, ठीक है। चलो, रिवर्स इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम हियर, नहीं बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, आपको पता है कि तिब्बत से ओरिजिनेट होती है हमारी प्लेटी ऑफ द तिब्बत से हमारी इंडस रिवर जो होती है वो ओरिजिनेट होती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट सही है। बाकी सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आपको सबको पता है कि ये वर्ल्ड की क्या है, सेकंड लॉन्गेस्ट जो है ग्लेशियर है, जो कि 76 किलोमीटर तक इसके लंबाई मानी जाती है ना। फ्लोरा और फौना स्पीसीज के लिए क्या है, ये हैबिटेट है, जैसे आपने देखा स्नो लेपर्ड हो गया, इबेक्स हो गया, ठीक है, ब्राउन बियर हो गया, बहुत ऐसी सारी बहुत सी ऐसी स्पीसीज हैं, ठीक है। तो पहला और दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही है, सो हियर इज द बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट, और थ्री इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। चलो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन इज रिलेटेड टू व्हाट, 34 नंबर क्वेश्चन रिलेटेड टू हिमालयन ग्रिफन गिद्ध या हिमालयन ग्रिफन वल्चर्स, ठीक है, वल्चर। देखो हिमालयन ग्रिफन वल्चर अगर इनका देखा जाए, इनका प्राइमरी जो क्या बोल सकते हैं बिलोंगिंग हैबिटेट है वो हमारा हिमालय है, हिमालय रीजन है, ठीक है। चलिए इसके बाद कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं इट इज लिस्टेड एज द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज बाय द IUCN। देखो IUCN ने इसको लिस्ट तो किया है, लेकिन जो अभी ये जो बताया जा रहा है क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो नहीं क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं किया गया है, इसको नियर थ्रेटेंड बोले हैं। कैसी स्पीसीज है, नियर थ्रेटेंड, थ्रेटेंड मतलब कि भविष्य में इसके ऊपर क्या है, निकटता में संकटग्रस्त प्रजाति है ये, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है इस तरीके से, अपार्ट फ्रॉम द हिमालयाज इट इज फाउंड इन सदर्न इंडिया एज वेल एज सेंट्रल एशिया, हाँ ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हमने बताया कि प्राइमरी जो इसका जो बिलोंगिंग एरिया है वो तो हमारा हिमालयन रीजन है, लेकिन उसके अलावा ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सेंट्रल एशिया में पाया जाता है, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान है ना, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और ईरान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से इधर आपके नेपाल, ठीक है, ठीक, उसके बाद भूटान है ना, चाइना, मंगोलिया, उसके बाद हमारी जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जैसे साउथ एशियन कंट्रीज में क्या हो गया, लाइक बर्मा हो गया, म्यांमार हो गया है ना, सिंगापुर हो गया, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, ठीक, तो ऐसी जगहों पे भी हिमालयन वल्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट, तो बेस्ट ऑप्शन इज द बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट टू ओनली, ठीक है, यही एक सही है ना। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, बहुत सारे क्वेश्चन हैं आज ज्योग्राफी में, करते हैं आराम से इसको डिस्कस। बोलना विच ऑफ द फॉलोइंग आर द चैलेंजेस टू द मिलेट प्रोडक्शन इन इंडिया, मिलेट मतलब क्या होता है आप सब जानते हो, बाजरा, बाजरे को मिलेट बोलते हैं, ठीक है। आओ बोल रहे हैं कि उत्पादन समर्थन की कम या निकट अनुपस्थिति, लो प्रोडक्टिविटी, अ डिस्प्रोपोर्शनेट फोकस ऑन द राइस एंड, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात आई, ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया वो हमारे किस पे, राइस और व्हीट पे ही किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स थी, ठीक है, जिनको क्या कर दिया गया, अनदेखा कर दिया गया। और जितनी भी मतलब अगर सब्सिडीज की बात करें, आज भी अगर देखो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TDS और TPDS, इसमें तीन रुपए किलो चावल, सॉरी गेहूं और 5 रुपए किलो आटा, ऐसा कुछ रेट है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बाई द गवर्नमेंट, तो हमेशा वो राइस और वीट को ही प्रमोट किया जाता है, ठीक। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके प्रोडक्शन में क्या हो जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता, तो जो हमारा फार्मर है वो हतोत्साहित होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मिलेट, तो इसकी प्रोडक्टिविटी इस तरह से क्या हो जाती है, लो हो जाती है, कम हो जाती है। साथ ही साथ जो हमारे गवर्नमेंट की जो भी हमारी स्कीम्स आती हैं वो इसके प्रोडक्शन के लिए सपोर्ट नहीं करती हैं, ठीक। जितनी सब्सिडीज है ना, जितनी सब्सिडीज जो राइस और वीट पर दिया जाता है, ऐसी फसलों पर दिया जाता है, उतनी सब्सिडी अगर दिया जाए इसके लिए, बाजरे के लिए, तो क्या होगी कि इसके भी प्रोडक्शन को सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। लो रिम्यूनरेशन हो रहता है यहाँ पे, और मतलब इनपुट सब्सिडीज की इनपुट की बड़ी कमी पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है, इन द रेफरेंस ऑफ बाजरा है ना।
तो यहाँ से तीनों कारक जो है हमारे, पहला, दूसरा, तीसरा, ऑल द थ्री फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, या ऑल द थ्री फैक्टर्स आर द चैलेंजेस टू द मिलेट प्रोडक्शन इन द इंडिया। सो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट, 1, 2 and 3 ऑल। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, लैंड रिवेन्यू पॉलिसी खुरकी। लैंड, देखो लैंड रिवेन्यू पॉलिसी पहले बता दिया है, खुरकी सिस्टम रिफर्स टू। ठीक, आइए, सिस्टम वेयर अ पार्ट ऑफ कल्टिवेबल लैंड वॉज रिजर्व फॉर द टी प्लांटेशन। अच्छा, सिस्टम ऑफ ब्रिटिश प्लांटर्स पेइंग मनी टू फार्मर्स बाय द मॉर्टगेजिंग देयर लैंड्स एंड कंपेलिंग देम टू सो इंडिगो। सिस्टम अंडर विच रेवेन्यू मस्ट बी डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी बिफोर सनसेट ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द मंथ। सिस्टम अंडर विच अ जमींदार यूज टू इशू अ लेटर ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट ऑफरिंग अ ब्लॉक ऑफ लैंड टू अ फार्मर फॉर द कल्टिवेशन। जो हमारे खुरकी सिस्टम है, ठीक है, जिस समय तिनकठिया पद्धति चलती थी, तिनकठिया सिस्टम जो था, आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स ने क्या बोला था, जो यहाँ के उत्तर भारत के जो फार्मर्स थे उनको ये बोला था कि अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है, कट्ठा मतलब बोला जाए तो बिहार वगैरह में और बंगाल वगैरह में ये एक लैंड को मेजरमेंट करने की एक यूनिट होती है जिसको कट्ठा बोलते हैं। अगर वही इधर आओगे उत्तर प्रदेश वगैरह में तो इसको बिस्वा बोलते हैं। तो बीघा, बीघा हर जगह होता है ना, तो एक बीघा जो होता था उसमें 20 कट्ठा होता था, और यहाँ के हिसाब से बिस्वा होता है 20 कट्ठा या शायद 10 कट्ठा होता है, 10 कट्ठा होता है, ठीक है, क्योंकि 1 कट्ठा 2 बिस्वा के बराबर होता है। ठीक है, तो उन्होंने वो ये बोलते थे कि अगर आपके पास 1 बीघा जमीन है, दैट मीन्स कि 10 कट्ठा है, ठीक, तो 10 कट्ठा में से 3 कट्ठे पे आप क्या करोगे, इंडिगो कल्टीवेशन करोगे। ठीक, एक तो ये उसमें सिस्टम था। दूसरा, ये क्या करते थे, जो ऐसे किसान जो कि इनके इस प्रपोजल को नहीं मानते थे और वो इंडिगो कल्टीवेशन नहीं करते थे, तो हालांकि उनको बहुत तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, बहुत सारा पनिशमेंट किया जाता था, लेकिन उसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक चाल थी, वो करते क्या थे, वो बागान के जो किसान होते थे ना उनकी जमीनों को अपने यहाँ जबरदस्ती गिरवी रख देते थे। ठीक है, और गिरवी रखने के बाद उनसे ये बोलते थे, ठीक है, अब ये लो तुम पैसे, और पैसे लेकर के इसमें क्या करना, इसमें नील की खेती ही करना। ठीक है, मतलब जबरदस्ती किसी की जमीन को हड़प के अपने यहाँ गिरवी रख लेते थे, उसके बाद उनसे पैसे देते थे। अच्छा, कुछ तो जबरदस्ती कर लेते थे, कुछ किसान गरीब हुआ करता था तो उसको जरूरत होती थी जैसे पैसों की। ठीक है, तो उसमें क्या करते थे, जो साहूकार होते थे, जो जमींदार लोग होते थे, वो मिले रहते थे किससे, ब्रिटिशर्स से, तो वो क्या करते थे, पैसे ले लेते थे, पैसे दे देते थे, उस बात बोलते थे कि उधर से मतलब गोरे साहब का आदेश है, गोरे साहब का ऑर्डर है कि तुम क्या करोगे, खेती करोगे नील की, है ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि एक सिस्टम है जो कि ब्रिटिश प्लांटर्स पेइंग मनी टू द फार्मर्स, ऐसे वो क्या करते थे, पे करते थे उनके जमीन को, क्या करते थे, मॉर्टगेज कर लेते थे, मतलब गिरवी रख लेते थे अपने पास। ठीक है, आइए चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 71। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स और एक्शन कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेट्यूज। ठीक है, बोल रहे पठार बनने के लिए ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, विंड, फ्लूवियल एक्शन, ग्लेशियल एक्शन, प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक, तो पहले बात बता दें आपको, इसमें से चारों जो फैक्टर्स हैं ऑल दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेट्यू। ठीक, देखो होता क्या है, जब सॉफ्ट रॉक्स होती हैं बहुत सारी, ठीक, तो हवा क्या करती है, जो विंड होती है, विंड चलते चलते क्या करते हैं, उनका वेदरिंग कर देती है। कैसी वेदरिंग करती है, फिजिकल वेदरिंग करती है। ठीक है, तो फिजिकल वेदरिंग कर देती है, तो ऊपर के उनके जो पार्ट्स होते हैं उनको कट करके अलग कर देती है। ठीक, जो अलग कर देगी तो क्या हो जाएगा कि एक प्लेट्यू फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जमीन से उठा हुआ भाग प्लेट्यू। फ्लूवियल एक्शन, फ्लूवियल एक्शन इज रिलेटेड टू, जब बहुत सारी ऐसी नदियाँ जो होती हैं ना, रिवर्स होती हैं, बहते हुए हैं और पानी जो काटते हुए चली जाए। ग्लेशियल रिएक्शन, आपको पता है ग्लेशियल एक्शन, कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं, गिरते हुए हैं, टूटते हैं, सेडिमेंट कर देते हैं धीरे धीरे, सेडिमेंट लेयर बाय लेयर बाय लेयर, और क्या प्लेट्यू बना देते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स तो आपको पता ही है कि प्लेट टेक्टोनिक्स एक भूगर्भी हमारी जो क्या है, जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं प्लेट्यू माउंटेन्स या ओशंस ऐसी मतलब कि स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर चार के चारों जो हैं आपके ये रिस्पॉन्सिबल हैं। डी ऑप्शन इज द करेक्ट, 1, 2, 3 and 4। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। 72 क्वेश्चन बोल रहा है, अमंग द फॉलोइंग वैलीज आर फाउंड इन द पीर पंजाल रेंज। ठीक है, कहाँ पे,
बोल रहा है पीर पंजाल रेंज में कौन कौन सी ऐसी हैं जो कि पाई जाती हैं, ठीक है। कौन सा था क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है। चलो तो सबसे पहले यहां पर यह है पीर पंजाल। पीर पंजाल कहां पर पाया जाता है? पहले ये हमारे लेसर हिमालयन का पार्ट है। किसका पार्ट है? रेसर लेसर या लेसर हिमालयन का पार्ट है जो कि जेएनके हिमाचल एंड उत्तराखंड है ना, इन सब जगहों पे क्या हुआ है? फैला हुआ है, ठीक है। जेएनके जम्मू कश्मीर, अभी इसको स्टेट में बोलो, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख है, दो यूटीज हो गई है, राइट। तो इन सब जगहों पे क्या है? फैला हुआ है। आइए कश्मीर की बात करें। कश्मीर हमारी पीर पंजाल रेंज की क्या है? घाटी है, कश्मीर वैली। कुल्लू की बात करें तो कुल्लू भी हमारा क्या है? पीर पंजाल रेंज की ही घाटी है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे लास्ट हमारा कांगड़ा, तो कांगड़ा जो है वो धौलाधर रेंज की घाटी है। किसकी है? धौलाधर रेंज, धौलाधर रेंज जो कि वेस्टर्न हिमालय में बांटता है, वेस्टर्न हिमालय रीजन में पड़ता है धौलाधर, ठीक है। तो कांगड़ा इसमें पीर पंजाल की नहीं है, बाकी कश्मीर और कुल्लू दोनों जो है वो किसकी? पीर पंजाल रेंज की हैं। बनिहाल पास सबको पता होगा कश्मीर वैली में पाया जाता है, रोहतांग पास कुल्लू वैली में पाया जाता है जो कि मनाली को लाहौल वैली से जोड़ता है, ठीक है। तो दीज आल और कि ये दो जो हैं कुल्लू और कश्मीर वैली, ये हमारे पीर पंजाल के पार्ट्स हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आइए अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द एटॉल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। कह रहे हैं कि हाँ एटॉल्स क्या होते हैं? देखो सुनो, सबसे पहली बात तो समझो कि एटॉल्स एक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ओशंस में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि जैसे बहुत सारी ऐसे प्लेट टेक्टोनिक कह सकते हो, वोल्केनिक इरप्शंस कह सकते हो, प्लेट टेक्टोनिक्स कह लो, प्लेट विवर्तनिकी के थ्रू होता क्या है कि कभी कभी ओशंस में, ठीक है, कुछ हल्के से लैंड मास ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं? सर्कुलर होते हैं, जो कि कंप्लीटली चारों तरफ तो वाटर से घिरे होते हैं, बाकी वो खुद भी सराउंड करके रखते हैं एक वाटर बॉडी को, ठीक है। मतलब वो भी एक वाटर बॉडी के चारों ओर क्या होते हैं? फैले होते हैं। फिर धीरे धीरे उस पर होता क्या है कि बहुत सारी कोरल रीफ्स जो होती हैं, जो हमारी मूंगा होते हैं ना कोरल्स, वो क्या होते हैं उस पर धीरे धीरे कोरल रीफ्स बना लेती हैं, ठीक। तो वो एक कुछ ऐसी संरचना बन जाती है कि ऐसे सर्कुलर संरचना बनती है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं? ऐसे ऐसे कोरल रीफ, यहाँ पे सारा कोरल रीफ बन जाता है, ठीक। और इसमें क्या होते हैं? बीच में वाटर होता है, ठीक। और ये भी वाटर होते हैं, सराउंडिंग में वाटर होता है, ठीक है। और इन फ्यूचर जब कभी होता है कि जैसे सी लेवल डाउन होता है, ठीक, तो क्या करता है कि एक लैगून लेक का निर्माण कर देते हैं। तो क्या बन जाती है? लेक बन जाती है। कैसी? लैगून, लैगून लेक बन जाती है, ठीक। तो ये जो अभी कंडीशन है इसी को क्या बोलते हैं? एटॉल्स बोलते हैं, ठीक है। आइए स्टेटमेंट बात करते हैं। माइनर रिलीफ फीचर्स इन द ओशन दैट आर कंपोज ऑफ कोरल रीफ्स, हाँ बिल्कुल, ठीक है। क्या ये कोरल रीफ होते हैं, ठीक। दे आर सर्कुलर इन शेप, ठीक है, इनक्लोज टू शैलो लैगून्स विदाउट एनी लैंड इन द सेंटर, सेंटर में कोई लैंड नहीं होता है, ठीक है। लैगून बना सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। दो भी सही है, वन भी सही है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट, बोथ वन एंड टू, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। और हमारा अगला प्रश्न है कास्ट टोपोग्राफी, कास्ट टोपोग्राफी, ठीक है। रिजल्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ द वेदरिंग प्रोसेस, बोल रहे हैं कि कास्ट टोपोग्राफी किस तरह का वेदरिंग प्रोसेस का रिजल्ट है, ठीक है। अरे सोचो कास्ट टोपोग्राफी होता क्या है? होता ही है कि जैसे सपोज करो कि अगर ये कोई पहाड़ी एरिया है, या कह लो कि प्लेट्यू है ना, यहाँ से अगर किसी भी तरीके का अगर वाटर पास हो रहा है, वाटर बॉडी कोई भी ऐसे वाटर बॉडी, मतलब नदी हो सकता है, कुछ हो सकता है, अरे सामने क्या है? पहाड़। तो इससे वाटर क्या होगा? जब वाटर इससे टकराएगा, ठीक, तो कुछ बहुत सारे ऐसे आपको ऐसे ब्लॉक्स मिलेंगे जिसमें ऐसे बहुत सारे क्या
होल स्ट्रक्चर दिखेंगे आपको, मतलब बीच में ऐसे छेद हो सकता है, स्क्वायर शेप में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और चारों तरफ इसके क्या होंगे, स्टोन होंगे। तो सॉफ्ट स्टोन जो बीच में होगी वो किसी वाटर बॉडी की वजह से क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी, घुल जाएगी, है ना। और हमेशा ये होता कैसे है कि अगर एसिडिक वहाँ पे नेचर है, अगर उस वाटर का नेचर अगर मान लो कि एसिडिक है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि उसमें डिजॉल्व हो जाएंगी बहुत सारी चीज़ें ऐसे, जैसे कि अगर लाइमस्टोन है, मार्बल है, सॉफ्ट मार्बल है, या जिप्सम है, ठीक, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो जिसको केमिकल वेदरिंग कहते हैं। और उसी केमिकल वेदरिंग का रिजल्ट है कि एक लैंड स्ट्रक्चर तैयार होता है, इसको हम कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं, ठीक है। चलो आओ बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कंसीडर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स, ठीक, बोल रहा है कुछ मिनरल्स दिए गए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे विचार करो जो दिए गए हैं उसके से, और उसकी हेल्प से जो करेक्ट मिनरल है जो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है उसको छांटना है। बोल रहा है इज कॉमनली यूज इन द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, कॉपर यूज होता है, हाँ होता है, माइका यूज होता है, हाँ बिल्कुल होता है। फिर बोल रहा है इट इज कॉमनली फाउंड इन द इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, किसमें, इग्नीशियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स यूज होता है, मतलब पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, माइका भी पाया जाता है, इसमें की बात नहीं कर रहे हैं, ये दो ऑप्शन आप पहले से कट करके रखो, ठीक है, जो हमारी ओलाइविन होती हैं, जो क्योंकि मैग्नीशियम और आयरन सिलिकेट होते हैं, ठीक है, स्टील इंडस्ट्री में इनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है ओलाइविन का, और पायरोक्सिन का यूज़ भी कर सकते हैं, और इग्नीशियस रॉक में पायरोक्सिन भी पाया जाता है हमारा, लेकिन ये इसमें यूज़ नहीं किया जाता इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। तीसरा स्टेटमेंट है कह रहे हैं कि इट्स क्रिस्टल कैन इजली बी स्प्लिट इनटू द एक्सट्रीमली थिन इलास्टिक ब्लेड, तो ये जो है हमारा ना, ये माइका में तो होता है लेकिन ये कॉपर में नहीं होता, कॉपर हमारा इसमें से ऑप्शन एलिमिनेट होगा, और माइका जो है, माइका इज द करेक्ट ऑप्शन। और आपने देखा होगा कि जो आयरन होते हैं, आयरन समझते हो ना, जो प्रेस जिससे कपड़ा प्रेस करते हैं ना, प्रेस करते हैं ना, तो उसमें अगर एक लेयर लगी रहती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, वाइट कलर की होती है, वो अभ्रक की होती है या माइका की होती है, ठीक है, तो माइका इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगले क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन 85 क्वेश्चन रिलेटेड टू द काकेसस माउंटेन, बोल रहे हैं काकेसस माउंटेन सिस्टम स्ट्रेच बिटवीन, ठीक। तो पहली बात हम बता दें आपको, काकेसस माउंटेन जो है हमारा, ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी, इन दोनों के बीच में काकेसस माउंटेन पाया जाता है, ठीक है। रीजन जो है इसका, ये यूरोप और एशिया में फैला हुआ है, ठीक है, और आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया और सदर्न रशिया, ठीक है, ये सब कंट्रीज हैं जहाँ पर इसके क्या हैं, ये कॉकेसस माउंटेन्स की रेंजेस फैली हुई हैं। आपके लिए होमवर्क ये है कि आप ब्लैक सी, अरल सी, मेटेरियन सी, रेड सी और ब्लैक सी एंड मेटेरियन सी, इनके सराउंडिंग में जो भी कंट्रीज हैं जो कि इसके साथ क्या करते हैं, कोस्टल बाउंड्रीज शेयर करते हैं, उनके बारे में आप देख लेना एक बार, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 86, सेवेंथ रिसोर्स, ठीक है। बोल रहे हैं सेवेंथ रिसोर्स क्या है, ठीक, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन हियर वी विल कंसीडर द साइक्लेबल प्रोडक्ट्स या साइक्लेबल मटेरियल्स आर कंसीडर एज द सेवेंथ रिसोर्सेज। दैट मीन्स कि अगर आज हम देखें तो किसी भी चीज का अगर रिसाइकल किया जाए, जैसे मेटल्स का, टेक्सटाइल्स का, पेपर्स का, तो आज मोर देन 40% जो वर्ल्ड वाइड रिक्वायरमेंट है, मटेरियल्स की नीड है, ठीक है, वो साइक्लेबल प्रोडक्ट से पूरा किया जा सकता है या किया जा रहा है। तो हमारी जो सेवेंथ रिसोर्स की बात करेंगे तो हमारे जो साइक्लेबल प्रोडक्ट्स होते हैं या मटेरियल्स होते हैं उन्हीं को बोला जाता है सेवेंथ रिसोर्सेस, ठीक है। तो आई थिंक दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ओके। तो दीज आर द क्वेश्चन रिलेटेड टू आवर ज्योग्राफी, सो होप यू गाइज विल एंजॉयड दिस, यू गाइज एंजॉयड दिस, सो थैंक यू सो मच।